everyone. Welcome to my YouTube channel English Learning. आज का टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हिंदी में अलंकार कहते हैं। इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि एक ब्राइड को सुंदर बनाने के लिए हमारे पास ऑर्नामेंट्स की जरूरत होती है, उसी तरह लिटरेचर को खूबसूरत करने के लिए हमें लिटरेरी ऑर्नामेंट्स यानी फिगर ऑफ स्पीच अलंकार की जरूरत है। शब्दों का एक सुनहरा खूबसूरत सा जाल बना जाता है, जिससे वो लैंग्वेज, जिससे वो लिटरेरी लाइन्स बहुत खूबसूरत है। हम सिंपल इसे कुछ इस तरह से लिखते हैं, हम सिंपल से कह सकते हैं कि वो सुंदर है, लेकिन कहा जाता है, कवि कहते हैं कि वो चांद से खूबसूरत है। तो यहाँ चांद सा, शी इज नॉट ए मून, लेकिन यहाँ पर हम कहते हैं शी इज लाइक अ मून, उसकी खूबसूरती की तुलना चांद से मून से की जाती है। तो ये एक लिटरेरी डिवाइस है जिसे हम उपमा दे रहे हैं, चांद की उपमा दी जा रही है उसकी खूबसूरती। आइए स्टार्ट करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अलंकार। आपको समझ आ गया होगा अलंकार किसे कहते हैं या फिगर ऑफ स्पीच किसे कहते हैं। पहला फिगर ऑफ स्पीच उपमा अलंकार, इसमें हम रूप दे देते हैं। लाइकनेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, दो डिफरेंट चीजें होती हैं, जैसे शी इज लाइक ए मून, एक ह्यूमन बीइंग है, एक मून है, प्लैनेट है, लेकिन दोनों में कंपैरिजन किया जा रहा है, दोनों में हम लाइकनेस ढूंढी जा रही है, उस समानता को ढूंढना डिफरेंट काइंड्स। मून एक प्लैनेट है, शी इज ए लिविंग बीइंग, दोनों को हम कंपैरिजन कर रहे हैं लाइकनेस के थ्रू, सा चांद सी, तो इसके लिए हम शी इज लाइक अ मून यूज। एक अनदर वन अनदर एग्जांपल, ही फोट लाइक ही लव, वो शेर की तरह है, शेर नहीं है लेकिन शेर की तरह है, तो ये उपमा दी जा रही है कि वो शेर की तरह है, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो शेर के अंदर है, तो ही फोट लाइक अ लव। सिंधी में लाइक एज सो, ये इसकी पहचान होती है उपमा अलंकार में कि उसमें सा लाइक सो एंड एज आते हैं, जहां भी बच्चों को दिखाई दे लाइक सो एंड एज तो वो सिंधी उसे लिखेंगे। दूसरे फिगर ऑफ स्पीच पे आते हैं मेटाफॉर, मेटाफॉर मीन्स रूपक अलंकार, ये सिमिली का ही रूप है, कॉम्प्लेक्स सिमिली है, इसमें लाइकनेस नहीं, इसलिए हम टोटल रूप दे रहे हैं, ही इज इन लाइक, इज इट पॉसिबल है कि ह्यूमन बीइंग जानवर की तरह हो, नो, लेकिन ही इज अलाइक, उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज है और उसे हम रूप दे। इसी तरह द कैमल इज द शिप, क्या शिप कैमल हो सकता है, कैमल शिप हो सकता है, नो, शिप सी में होता है लेकिन रेगिस्तान का शिप कैमल को कहा जाता है, यहाँ पे हम रूप दे उसे बिल्कुल मान लिया जाता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज, मोस्टली मेटाफर में ऑफ होता है, ध्यान रखिएगा मोस्टली मेटाफर वाले सेंटेंसेस जहाँ पे वहाँ ऑफ होता है। कैमल इज द शिप ऑफ एस, इस एग्जाम्पल से आपको मेटाफर क्लियर होगा। सिमिली और मेटाफर में सिर्फ इतना डिफरेंस आता है कि यहाँ लाइक आएगा और यहाँ लाइक नहीं होगा, हम टोटल रूप दे रहे हैं, टोटल उसे मान लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास, थर्ड हमारे पास डेफिनेशन आती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन वो अलंकार होता है जिसमें हम मानवीकरण, लाइफलेस थॉट्स, लाइफलेस थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज जो डेड हो चुके हैं उन्हें हम लिविंग मानते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, हाउ इज इट पॉसिबल कि एक्सपीरियंस हमारा टीचर हो, टीचर लिविंग है, एक्सपीरियंस नॉन लिविंग है, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है लेकिन हम मानते हैं एक्सपीरियंस बेस्ट टीचर। उसी तरह डेथ लेज इट्स आईसी हैंड्स ऑन किंग्स, मृत्यु राजाओं पे भी अपने ठंडे हाथ रखती है, इट मीन्स राजाओं को भी, रॉयल फैमिलीज में भी डेथ हुआ करती है, तो डेथ को हमने यहाँ पे क्या माना, लिविंग माना। डेथ के हाथ किसी ने देखे, किसी ने नहीं देखे, ना हमें मालूम है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं, डेथ लेज डेथ रखती है अपने ठंडे हाथ ऑन किंग्स, किंग्स के ऊपर, तो डेथ
तुम्हें समझ आ रहा होगा, फिर आगे चलते हैं अपोस्ट्रोफी। बहुत सिंपल है, अपोस्ट्रोफी के लिए सिंपल एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आ जाते हैं। जिस सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क समझ आता है, सिंपल अपोस्ट्रोफी। संबोधन है, इसको संबोधन है जो डेड है, जो लाइफलेस है, जो एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज, डायरेक्ट एड्रेस, उन्हें हम डायरेक्ट बात करते हैं। वो डेथ, इज इट पॉसिबल इन डेथ एक ह्यूमन फिगर नहीं? भारत माता, मदर इज नॉट देयर बट भारत माता पर्सोनिफिकेशन है। लेकिन यदि हम उसे डायरेक्ट बात कर रहे हैं तो वहां पर हम एस के मिनिमा लगाते हैं और वो सेंटेंस अपोस्ट्रोफी का फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट होता है। दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस देखिए, डेथ किंग्स के ऊपर अपने ठंडे हाथ रखते हैं, यहाँ हम डेथ को डायरेक्ट बोल रहे हैं। ओ डेथ वेयर इज आई स्टिंग, कहाँ है स्टिंग आपके, तो इसलिए हम डायरेक्ट एड्रेस कर रहे हैं। तो डेथ के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो ये अपोस्ट्रोफी। शायद इन दो एग्जांपल से आपको पर्सोनिफिकेशन एंड अपोस्ट्रोफी का कंफ्यूजन दूर हो। अब हम आते हैं हाइपरबल, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, एक्सैजरेट, जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम, रियलिटी में बहुत ज्यादा या बहुत कम बात की जाए तो हम उसे हाइपरबोलिक फिगर ऑफ स्पीच। एग्जाम्पल, ही रैन फास्टर देन द विंड, इज इट पॉसिबल? हवा से तेज कुछ नहीं चलता, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हवा से तेज चल रहा, हवा से यदि तेज चल रहा है तो ये हाइपरबोलिक, ये पॉसिबल ही नहीं। ये कुछ इस तरह से है, 10,000 saw I at a glance. Wordsworth की पोयम है कि उसने डेफोडिल्स को 10,000 फूलों को एक बार में देख लिया। क्या उसने काउंट किए थे 10,000 फूल में? नॉट पॉसिबल। एक एट ए ग्लास, एक बार में उसे कैसे पता है 10,000 फ्लावर्स थे? यहाँ पर हाइपरबल है, अतिशयोक्ति। जैसे कहा जाता है कि युद्ध में नदियां बह गई, खून की नदियां बह गई, किसी ने देखी है नदियां बह गई? खून की नदियां नहीं बह सकती, ब्लड शेड ज्यादा हो सकता है, तो यहाँ पर हम हाइपरबोलिक अतिशयोक्ति इसे कहते हैं। या कहा जाता है कि 16,000 एलिफेंट्स का स्ट्रेंथ भीम के अंदर था, क्या किसी ने काउंट किया था 16,000 इक्वल टू भीम? नो, ये हाइपरबोलिक है कि इट मींस मोर देन नॉर्मल थिंग। फिर हम आते हैं ऑक्सीमोरन। ये एक इंटरेस्टिंग फिगर ऑफ स्पीच है जो कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज शो करता है। ऐसे वर्ड ऑफ फ्रेजेस हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग, दोस वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैविंग कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग, कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग इज टोटल अपोजिट, बेटर स्वीट, ओरिजिनल कॉपी, रेड एंड व्हाइट। कॉपी आप समझ रहे होंगे, ओरिजिनल कॉपी से मीनिंग क्या है, हैव यू ओरिजिनल कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इसका मीनिंग क्या है, ब्लैक एंड व्हाइट, टीवी पिक्चर, लाइफ इज बिटर स्वीट, तो ये अपोजिट मीनिंग हमें शो करते हैं जो कि ऑक्सीमोरन का पार्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं ऑनोमेटोपोया। एनी साउंड, कोई भी साउंड हो, आपकी क्लैपिंग की साउंड हो, डोर के खटखटाने की साउंड हो, लॉकिंग का डोर हो, स्नेक आदि, सारी आवाजें ऑनोमेटोपोया यानी ध्वनि चित्र का भाग। आपको ये फिगर्स ऑफ स्पीच समझ आ गई होंगी। थैंक यू।